अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी डिश जिसका नाम है चिकन सूखा। बहुत ही डिलीशियस, घर के हाजिर मसालों से बन जाएगी, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी डिलीशियस है, ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इन्ग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है आधा किलो चिकन, हड्डियों के साथ है, चर्बी निकाली हुई, दो तीन पानी से धो के निताल कर मैंने एक बाउल में डाल दिया। इसमें आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वैसे ये नॉन स्पाइसी, अगर आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं एक चीज़ डालना भूल गई, तो अब मैं डाल देती हूँ 3 टेबल स्पून भरकर गाढ़ी दही डाल के, बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे ढक कर आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने। आप चाहे तो फ्रिज में रख दें या आप चाहे तो बाहर रख दें, अगर क्लाइमेट बेटर हो तो, बट मैं फ्रिज में ढक कर इसे रख रही हूँ। अच्छा, ये है तकरीबन 15 लहसुन की कली, वैसे छोटी है तो 15 लिए, आप बड़ी हो तो 7-8 लीजिएगा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्ची, आप हरी मिर्ची 2-3 ले सकते हैं, और इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कूट लीजिए और साइड पर रख दीजिए ऐसे। अब एक पतीली का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, इसमें तेल डाल दीजिए अपने हिसाब से, मैंने कल कुछ फ्राई किया था प्याज़ों को, उसी का तेल है। अच्छा, अब ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें मैंने डाल दी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, लंबी लंबी स्लाइस करी हुई काट कर। फास्ट आंच पर इसे बार बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक प्याज को फ्राई कर लीजिए। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई, तो मैंने साइड पर कर दिया प्याज को, और बीच में जो तेल है उसमें ये जो अभी हमने कूट के रखा था ये डाल दीजिए, और आधे मिनट तक मसाला डालकर वो फ्राई कीजिए। आधा मिनट हो जाए तो फिर प्याज के साथ डायरेक्टली मैंने मिक्स कर लिया वापस, और तब भी प्याज के साथ भी आधे मिनट तक फ्राई कीजिए, तो टोटल 1 मिनट हो जाएगा ना। थोड़े से करी पत्ते भी बीच में डाल दीजिए, और अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर की छील निकाल ली है और इसे बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। चूल्हा फास्ट पर ही है, अब इसे बार बार चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। अब डाल दीजिए इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ज्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, और पानी मैंने थोड़ा सा है ना, 1/4 कप जितना, जिसमें कूटा था ना लहसुन को, उसमें चलाकर इसमें डाल दिया। एक बार चला लीजिए हमारे ये मसाले को, और इसके अंदर अब मैं डाल देती हूँ 1/4 छोटा चाय का चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ जीरा पाउडर, और 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंने एक्स्ट्रा डाला है लाल मिर्च पाउडर, आप ये स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और इसे स्लो आंच पर भूनने दीजिए, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब अच्छा तेल छूट जाए और आपको लगे कि मसाला भून चुका है, आप देख रहे हैं मैं टमाटरों को थोड़ा सा इस तरीके से मैश भी करती जा रही हूँ, तो और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। जब अच्छा तेल छूटने लगे, ये देख सकते हैं आप, तो ये चिकन मैरिनेट करने जो साइड पर रखी थी वो सारा मसाले के साथ चिकन को डाल दीजिए, और चूल्हे को मीडियम आंच या फास्ट आंच कर दीजिए। मैंने फास्ट आंच कर दिया है, चला लीजिए और इसे बार बार चलाते हुए 2 मिनट तक ये जो चिकन है इसे मसाले में भून लीजिए, बार बार चलाते रहिएगा। हाँ, जब 2 मिनट हो जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि तेल छूटने लगा है और अच्छा भून चुका है, और नीचे हल्का हल्का बस लगने ही लगा है, तो आप डाल दीजिए 1/2 कप पानी। मैंने 1/2 कप पानी को है ना, जिसमें चिकन को मैरिनेट करने रखा था ना, उसमें चलाकर इसमें डाल दिया। अब ग्रेवी को एक बार मिक्स कर लीजिए। अच्छा, इस वाली रेसिपी के अंदर है ना, आपने एकदम कम से कम पानी डालना है, तो मैं यहाँ 1/2 कप डाल रही हूँ, आप 1/4 कप भी डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाए तो इसे स्लो आँच कर इसे ढक कर तकरीबन 15 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए, 15 मिनट हो चुकी है, चिकन देखने से ही लग रही है माशाल्लाह कि गल चुकी है। एक बार चला लीजिए, चिकन वैसे भी पीसेस मीडियम थे तो जल्दी हो चुकी है, और छोटी चिकन थी। अब मैं डाल देती हूँ 1/2 छोटा चाय का चम्मच दरदरा पीसा हुआ सौफ, और 1/2 छोटा चाय का चम्मच दरदरा पीसा हुआ काली मिर्चों का पाउडर, इसे और थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दीजिए। इसे एक बार चला लीजिए। मुझे थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर और डालना है, तो मैं 1/4 छोटा चाय का चम्मच और काली मिर्चों का पाउडर डालकर एक बार चला लेती हूँ, और स्लो आंच पर तो है ही, इसे ढक कर 2-3 मिनट तक स्लो आंच पर रहने दीजिए।
चलिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, चूल्हे को कर देती हूँ मैं बंद। और मेरे लिए ये ग्रेवी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से घर पर है ना थोड़ी सी हल्की लगी हुई ज़्यादा ग्रेवी खाते हैं। आप चाहें तो इसे टोटली फास्ट आंच पर करके सुखा सकते हैं। अच्छा, मैं इसे आधे घंटे के बाद सर्व कर रही हूँ, तो मैंने फिर से इसे अभी गर्म किया आधे घंटे के बाद, और आप देख सकते हैं ग्रेवी सूखने के बाद, थोड़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। अभी भी आपको चाहिए तो आप इस समय भी सुखा सकते हो, क्योंकि ये सूखा चिकन है और सूखी होनी चाहिए। तो अब इसमें बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, और मैंने थोड़े से है ना ये डाल दिए हैं करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। अब यहाँ डाल दीजिए, लास्टली चूल्हा बंद कर दीजिए और 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालकर चला लीजिए। और ये रेडी हो गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा चिकन सूखा, बहुत ही डिलीशियस है। आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैंने यहाँ चूल्हा कर दिया बंद और इसे गर्मा गर्म मैं प्याले में निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो रोटी पराठा फुलका बटर नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपके लिए, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। नींबू मैंने साइड पर रख दिया, जिसे भी निचोड़ कर खाना वो खा सकता है। और थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। वैसे हरी मिर्चियाँ, लाल मिर्ची का पाउडर, स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा ये रेसिपी में। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।